लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने सदन के पटल पर वह रिपोर्ट रखी जिसमें तृणमूल कांग्रेस की सांसद महामोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। इधर पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने एक बयान में कहा कि वस्त्रहरण द्रौपदी का हुआ था, सूर्पनखा का नहीं। तृणमूल कांग्रेस सांसद महामोइत्रा से संबंधित लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। इस वजह से शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोबारा शुरू होने के करीब 10 मिनट के अंदर दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। कहा जा रहा है कि समिति के सिफारिश के आधार पर महामोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म करने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज सदन में रहने के लिए कहा है। इस बीच कैश फॉर क्वेरी मामले में एथिक्स रिपोर्ट को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद महामोइत्रा ने कहा कि हम देखेंगे, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन्होंने वस्त्र हरण शुरू किया है तो अब महाभारत का रण देखिए। इस पर जवाब देते हुए भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि वस्त्र हरण द्रौपदी का हुआ था, सूर्पनखा का नहीं। इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है। उल्लेखनीय है कि विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने 9 नवम्बर को एक बैठक में कैश फॉर क्वेरी के आरोप पर महामोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की थी। कमेटी के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया था।